नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने सोइल प्रोफाइल के बारे में डिटेल में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सोइल, मतलब कि सोइल के अंदर कितने कितने कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। चलो, कंपोजिशन ऑफ सोइल। सोइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सोइल है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है। कौन से? दीज आर, एक तो सोइल पार्टिकल्स, ह्यूमस यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो, सोइल वाटर, सोइल के अंदर वाटर होता है, सोइल के अंदर एयर भी होते हैं, और सोइल के ऑर्गेनिज्म। सोइल है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है, तो के पार्टिकल्स छोटे छोटे, फिर ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस मतलब कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से जो बनता है ऑर्गेनिक मैटर उसको कहते हैं ह्यूमस, और फिर वाटर होता है, एयर होता है, और ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपने देखे ही होंगे सोइल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस सोइल पार्टिकल्स आर अनडाउटेबली द मेन कंपोनेंट। इन सभी में से बिना डाउट के हम बोल सकते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो के सोइल पार्टिकल। मेन कंपोनेंट कौन सा, तो के सोइल पार्टिकल। अब हम वन बाय वन देखेंगे। ह्यूमस, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमन किसकी कैसे बनता है, तो कि जो डिकेड प्लांट और एनिमल्स जो वही सोइल के ऊपर रह जाते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, उनकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसी को ह्यूमस कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस ऑफ डीके। और इन सबको डीके करने में क्या यूजफुल रहते हैं, क्या हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें मालूम है कि कोई भी प्लांट्स हो उसके ऊपर अगर इंसेक्ट्स पड़ गई है तो वो डेड हो जाते हैं, और जो डेड हो जाते हैं उनकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस फॉर्म होता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेक द सोइल फर्टाइल। लेकिन जो ह्यूमस है वो क्या है, तो कि एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही है, क्योंकि ह्यूमस ही सोइल को फर्टाइल बनाता है। फर्टाइल यानी कि जिस सोइल से में हम प्लांट्स ग्रो कर सके। अगर सोइल फर्टाइल नहीं होगा तो वहाँ पे दूसरे प्लांट्स ग्रो होंगे नहीं। तो ह्यूमस का होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स का सोर्स ही है। सोइल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अर्थवर्म, इंसेक्ट्स, स्नेल, बैक्टीरिया एंड फंगस। सोइल ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, किस तरह के, तो के अर्थवर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगई होते हैं, ये सभी कहाँ पे होते हैं, सोइल के अंदर ही होते हैं। और मेनी ऑफ दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सोइल फर्टिलिटी। और इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में यूज होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होना भी जरूरी है, क्योंकि उसी की वजह से प्लांट्स को जो चाहिए फर्टाइल सोइल वो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही मिलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो प्लांट्स को हार्मफुल होते हैं, लेकिन मेनी ऑफ दिस बहुत सारे, तो वहाँ पे सोइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। यू मे हैव सीन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सोइल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप ये देख सकते हो, जब रेनी सीजन होता है तब सोइल से बाहर अर्थवर्म्स निकलते हुए आप देख सकते हो। और आपने कभी ये सोचा कि ये जो रेनी सीजन होता है तब इतने सारे इंसेक्ट्स, इतने सारे अर्थवर्म्स कैसे आ जाते हैं, क्योंकि वो सोइल में ही रहते हैं, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तब वो बाहर निकलते हैं। दे आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। और इनको क्या कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड्स कहते हैं। दे बरो इन टू सोइल, स्वेलो इट एंड मेक इट लूज। वो क्या करते हैं, सोइल में बरो यानी कि होल करना, सोइल में होल करते हैं, फिर उसको थोड़ा फुलाते हैं और सोइल को लूज कर देते हैं। हमें मालूम है, हम सोइल को अच्छे से वेट डाल के उसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोइल की कंसिस्टेंसी लेस हो जाएगी, लेकिन जितना है हम उसके अंदर एयर फिल करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े होल्स डालते जाएंगे, नीचे नीचे जगह रखेंगे, तो वो उतना क्या होगी, तो कि लूज होगी। उसी तरह ये ऑर्गेनिज्म फार्मर्स फ्रेंड्स क्या करते हैं, सोइल में होल करके अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा
अंदर एयर जाएगा, इसी की वजह से सोइल लूज होता है, और जब वो बाहर निकल जाते हैं तब वापस सोइल की कंसिस्टेंट लेस हो जाती है। तो वहाँ पे फार्मर्स फ्रेंड्स यानी कि ऑर्गेनिज्म सोइल के अंदर है, इसलिए उसका टेक्सचर भी बढ़ जाता है, यानी कि हमें लगेगा कि बहुत सारे सोइल है लेकिन उसके अंदर अर्थवॉर्म्स और सोइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सोइल टेक्सचर इज इम्प्रूवड इन दिस मैनर, इस प्रकार से सोइल का टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब कि हमें दिखेगा कि वहाँ पे बहुत सारी सोइल है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। बैक्टीरिया एंड फंगाई हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया और फंगाई क्या करने में हेल्पफुल होते हैं, तो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोज होना, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारे लिए कोई हेल्पफुल है नहीं। उनका डिकम्पोज होना मतलब जो बॉडी, अगर आपने सुना हम डेड बॉडी होते हैं, हमारे डेड बॉडी को क्या करते हैं, भूमि के नीचे डाल देते हैं, तो हम ऐसे ही वहाँ पे कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा, तो बॉडी जब निकालेंगे तो वापस वैसे ही रहेगी। लेकिन जो ये बैक्टीरिया एंड फंगी होते हैं उसको धीरे 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 करके डिकम्पोज करते रहते हैं और फाइनली एश में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस रिलीज द मिनरल्स बैक टू सोइल विच कैन अगेन बी यूज अप बाई द प्लांट्स रूट्स। और ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करता है, इस प्रोसेस से जो भी मिनरल्स हो वो वापस कहाँ पे चले जाते हैं, बैक टू सोइल, वापस सोइल में वो मिनरल्स रिलीज हो जाते हैं और वो वापस प्लांट्स रूट्स के थ्रू दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने में यूज भी हो जाते हैं। जो डेड प्लांट्स में से जो मिनरल्स निकले हैं वो वापस सोइल में चले जाएंगे, और जो न्यू प्लांट है उसके रूट तो सोइल में हो गई, तो क्या कर लेंगे, न्यू प्लांट्स के रूट उसे अब्सॉर्ब करके ग्रो होने जाएंगे। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड विच कैन बी यूज बाय प्लांट्स। सम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर दे, कन्वर्ट कर देते हैं, और वो कौन यूज कर लेता है, तो के प्लांट्स। ये क्या है, तो के एक प्रोसेस है, जैसे सनलाइट पड़ती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं और वो प्लांट्स के लिए प्लांट्स यूज कर लेते हैं। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब है सोइल वाटर। सोइल में वाटर कंसिस्ट होता है, यानी कि सोइल में वाटर होता है, इसको हम कैसे देखेंगे, द सोइल कंटेन वाटर कैन बी शोन इजिली बाई परफॉर्मिंग एक्टिविटी 8.3। हम एक्टिविटी 8.3 करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि सोइल में वाटर होता है, कैसे करना है चलो देखते हैं। To show that soil contain water, take a sample of soil in a plastic bag and close it tightly. एक प्लास्टिक बैग में आपको सोइल लेना है, नॉर्मली जितना आपको चाहिए प्लास्टिक बैग में जितना हो थोड़ा सा सोइल लेके उसको क्लोजली टाइट कर लेना है, यानी कि अच्छे से उसको टाइटली क्लोज कर देना है। कीप द प्लास्टिक बैग इन द ब्राइट सन फॉर 1 to 2 hours। फिर उस बैग को जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है उस जगह पे 1 to 2 hours तक रख दे रहा है, कुछ भी आपको करना नहीं है। फिर 2 hours के बाद आप देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द प्लास्टिक बैग। आप उस प्लास्टिक बैग के अंदर की साइड क्या देख सकोगे, तो के ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स देख सकोगे, तो वो कहाँ से आए, तो के वो सोइल में से ही आए हैं। हीट सनलाइट जब पड़ती है तब वो वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, तो के रिमूव होते हैं, और बाहर तो जाने की जगह है नहीं, इसलिए उस बैग के ऊपर की साइड आपको दिखाई देगा। सिंपल एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हो। एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें सोइल डालना है और उसको अच्छे से टाइटली क्लोज कर देना है, फिर उसे सनलाइट पे रख देना है। 2 hours बाद आप देखोगे तो आपको वहाँ सोइल बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। दिस प्रूफ दैट सोइल कंटेन वाटर, ये क्या प्रूफ करता है, तो कि सोइल में वाटर है, इससे प्रूफ हो जाता है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल कैन बी नोन बाई परफॉर्मिंग एक्टिविटी 8.4। हमें यह तो मालूम पड़ गया कि उसके अंदर पानी है, लेकिन कितना अमाउंट में है ये जानने के लिए हम 8.4 एक्टिविटी करेंगे। 8.4 एक्टिविटी क्या है, तो कि वो भी एकदम सिंपल है। टेक 200 ग्राम ऑफ सोइल, आपको पहले वेट करके लेनी है, कितने
ग्राम तो कि 200 ग्राम सोइल लेनी है। प्लेस इट ऑन ए न्यूज पेपर इन द ब्राइट सन फॉर अबाउट 2 hours। आपने पहले वेट कर ली 200 ग्राम है, उसके बाद उस 200 ग्राम सेंड को न्यूज पेपर के ऊपर थोड़ा स्प्रेड करके रख देना है। कहाँ पे? तो कि ब्राइट सनलाइट में। कितने देर? तो कि पहले की तरह 2 घंटे, यानी कि 2 hours। नाउ वेट द सोइल, उसके बाद 2 hours हो जाने के बाद आपको उसे फिर से वेट करना है। आपको वेट में चेंजेस दिखाई देंगे। तो पहले 200 था, उसके बाद आपको उससे कम वेट दिखाई देगा। मानो कि उसका वेट है, आपको अभी मिला एक्स, क्योंकि अभी हमने किया नहीं है, लेकिन आप करके देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो पहले 200 था, अभी एक्स ग्राम है, तो 200 माइनस एक्स, तो जितना कम है उतना उसके अंदर वाटर कंटेंट था, जो कि क्या हो गया? तो कि एवोपरेट हो गया। तो वेट ऑफ मॉइस्चर, कितने अमाउंट में वाटर है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वेट कर लेंगे, उसके बाद सनलाइट में रखेंगे और फिर से वेट करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस मिलेगा हमें 200 माइनस एक्स, जो आंसर होगा हमारा वो है वेट ऑफ मॉइस्चर। और अगर हमें उसे परसेंटेज में करना है तो भी सिंपल है, वेट ऑफ जितना हमें वेट मिला डिवाइडेड बाई हमारा ओरिजिनल वेट किया था इंटू 100, तो हमें परसेंटेज में मिलेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ यही देखना है कि उसमें कितने अमाउंट में वाटर है। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट सोइल कंटेन सोइल मॉइस्चर। ये एक्टिविटी भी प्रूव करती है कि सोइल के अंदर मॉइस्चर होता है। उसके बाद सोइल पार्टिकल्स। सोइल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो भी किस तरह? तो के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में होते हैं। बेस्ड ऑन साइज सोइल पार्टिकल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 types एज गिवन इन टेबल 8.1। उनके साइज के आधारित, उसके सोइल पार्टिकल्स के साइज के ऊपर आधार रख के सोइल को पार्टिकल्स को 4 types में डिवाइड किया गया है, जो कि टेबल 8.1 में दिया गया है। चलो देखते हैं। एक तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ग्रेवल यानी कि स्टोन, सबसे बड़ा पार्टिकल स्टोन। उसके बाद सैंड, जिसकी साइज कितनी होती है 0.05 to 2 mm तक। उसके बाद सिल्ट और सबसे कम यानी कि छोटा पार्टिकल्स क्ले होता है, जिसकी साइज लेस देन 0.002 mm। यानी कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स सोइल पार्टिकल्स के टाइप्स दिए गए हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। दस क्ले पार्टिकल्स हैव द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसके है? तो के क्ले पार्टिकल्स के। लेकिन व्हाई? ग्रेवल और स्टोन हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज। लेकिन ग्रेवल और स्टोन के पार्टिकल्स तो सबसे क्या है? तो के लार्जेस्ट साइज है पार्टिकल्स के। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स वेरीज। अलग अलग सोइल में सोइल पार्टिकल्स की साइज भी अलग अलग होती है, बदलती रहती है। जैसे सोइल बदल गया, उसी तरह सोइल के पार्टिकल्स की साइज भी बदलती रहती है। द टर्म टेक्सचर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज्ड पार्टिकल इन द सोइल। क्या होता है? तो कि जो टर्म टेक्सचर, टेक्सचर मतलब उसका देखाव, बाहर का देखाव। हमने बोला कि जैसे ही अर्थवर्म सोइल के अंदर चली जाती है तो उसका टेक्सचर बढ़ जाता है, उसी तरह टेक्सचर यानी कि देखाव। तो कि उसका जो टेक्सचर है वो क्या करने में यूज होता है, क्या डिस्क्राइब करने में? तो कि पार्टिकल्स की साइज, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल इन द सोइल, यानी कि उसके बाहर के देखाव से ही हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उस सोइल के पार्टिकल्स की साइज किस तरह डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? केवल टेक्सचर यानी कि देखा, हम जब सैंड को देखते हैं तभी हमें मालूम पड़ जाता है कि इसमें छोटे पार्टिकल्स हैं, इसमें बड़े हैं। स्टोन के साइज तो हमें मालूम ही है। तो क्या यूज होता है साइज पार्टिकल्स डिस्क्राइब करने में? सोइल का टेक्सचर। दस इन सम सोइल बिगर साइज पार्टिकल में बी मोर, वाइल इन अदर स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में बी इन लार्जर प्रोपोर्शन। लेकिन कुछ सोइल में क्या होते हैं, दोनों भी मिक्सिंग भी होते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि बिग हो तो उसमें सभी बिग ही हो गए, स्मॉल हो तो सभी स्मॉल ही। कुछ सोइल में क्या होता है,
बिग साइज पार्टिकल ज्यादा होते हैं, कुछ में क्या होता है तो कि स्मॉलर साइज पार्टिकल ज्यादा होते हैं, अथवा तो कुछ में स्मॉलर साइज ज्यादा होते हैं, बिग कम होते हैं, यानी कि बदलता रहता है। However, soil having particles of only one particular size is not fertile. लेकिन जिसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर साइज का पार्टिकल हो सॉइल में, तो वो सॉइल क्या नहीं है तो क्या फर्टाइल नहीं है, यानी कि उसके अंदर हम प्लांट्स ग्रो कर सकते नहीं है। मिक्सचर ऑफ साइज पार्टिकल्स हो सॉइल में तो ही वो सॉइल क्या है तो क्या फर्टाइल। फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। जो फर्टाइल सॉइल होता है उसके अंदर डिफरेंट साइज पार्टिकल मिक्सड अप होते हैं, तभी हम उसके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल साइज पार्टिकल्स का सॉइल फर्टिलिटी नहीं देता है, यानी कि उसके अंदर हम कोई प्लांट्स ट्रीज ग्रो कर सकते नहीं है, उसमें हो ग्रो ही नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलिटी किसके कैसे आएगी तो के मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल अगर हो तो ही वो सॉइल फर्टाइल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सॉइल के टाइप्स के बारे में। अभी हमने देखे सॉइल पार्टिकल्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे सॉइल टाइप्स। आज का आपका होमवर्क क्या है तो के एक टू एक्टिविटी आपको करनी है। एक तो ए वाली, प्लास्टिक बैग में कवर करके वाटर ड्रॉपलेट्स, और दूसरा फाइंड आउट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल। टू एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, और ये सभी डेफिनेशन भी पढ़नी है। सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या है, ह्यूमस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं, इन सभी डेफिनेशन को रीड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।